तो मैं यहाँ पे मंदिर की जो है सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डस्टिंग थोड़ी सी जो है नहीं करी थी, और वैसे भी जो भी अंदर से फैले तो डस्टिंग करनी होती है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सारी टेबल्स साफ, एंड उसके बाद है यहाँ पे मैदानी पड़ी, और मेरी मम्मा की मैदानी बहुत पुरानी, कई बार मैं रिड़का लगाना चाहूँ तो वो मैं लगा लेती, कई बार लस्सी जो है वो पीने का मन करता है। तो मैं यहाँ अच्छे से जो है सारी की सारी जो क्लीनिंग कर दूँगी, वैसे भी डस्ट हो जाता है, और कुछ मौसम ऐसा हुआ पड़ा है कि मिट्टी जो है वो यहाँ पे स्लेश पे का कलर ऐसा दिखाई देती रहती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, और उसके बाद जितने भी डोर हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे क्लीन कर देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे अच्छी तरह से जो डोर है वो साफ नहीं कर रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पे जोत करने वाली हूँ, जोत के लिए मैंने यहाँ पे शाम को जो है वो जो जोत करते थे वो सारा सामान इसके अंदर रख देते हैं। तो मैं ये सारा सामान इसके अंदर रखी हूँ, एंड देन इसको जो है वॉश करने के लिए मैं किचन में लेके जा रही हूँ। तो मैं इसको प्लेट को और जोत को अच्छे से वॉश करूँगी, और इसमें मैंने डाल दी है सर्फ। सर्फ डालने के बाद मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँगी, हैंड के साथ ही क्लीन करते हैं। और साथ में मैंने ले लिया है पानी, जो मुझे गर्मी नहीं मिली थी, मैंने ग्लास में स्नान करवाने के लिए। तो मैं थोड़े से यहाँ पर स्नान करवाऊँगी, उसके बाद जो है मैं धूप करूँगी, और या तो यहाँ पे मैं मनी प्लांट को पानी दे रही हूँ। तुलसी उगाई थी तो पता नहीं क्या हुआ कि ये दोबारा हुई नहीं, तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को पानी दे दिया। तो ऊपर मैंने एक घड़ा रखा हुआ छोटा सा, जहाँ पे मैं चिड़िया के लिए पानी रख देती हूँ, और गर्मी का मौसम है तो गर्ल्स आपको भी चिड़िया के लिए पानी रख देना चाहिए अपने छत के ऊपर, थोड़ी सी छाया होनी थी क्योंकि गर्म वैसे ही हो जाता है पानी। तो ऊपर मैं यहाँ पे सूर्य भगवान जी को भी जल चढ़ाऊँगी, और साथ में मैं चिड़िया को भी पानी दूँगी। तो मैं यहाँ पे उसके लिए गर्मी का मौसम है, हमें खुद इतनी प्यास लगती है, तो यहाँ पे मैं सूर्यदेव को जो है पानी दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ये देने के बाद मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे भी मैंने छोटा सा बर्तन रखा हुआ है जो मैं अलग से वो रख देती हूँ, वहाँ पर भी चिड़िया नीचे आती है तो वो भी पी लेती है पानी। तो जैसा मुझे मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि तो मैं यहाँ पे जो मटके में से पानी इसमें निकाल के अलग से वो मैं रखने जा रही हूँ चिड़िया के लिए बर्तन, जो मैंने बाहर रखा हुआ है, यस मैंने इसमें रखा है। और ये छोटे से थोड़े से गार्डनिंग हमने कर रखी है, यहाँ पे हमने कुछ पेड़ लगाए हुए हैं, तो ये छोटा सा मतलब जगह पे हमने ये उगा रखा है। ये टमाटर है और तोरी की बेल है और घिया की बेल है, साथ में अमरूद है, तो ये मैंने हमने यहाँ पे लगा रखा है। या अच्छा लगता है कि घर पे भी अगर जगह है तो आप ये काम कर सकते हैं, जिस जगह स्पेस है। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ, तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी क्लीनिंग था मेरा ऑलमोस्ट मेरा सारा काम जो है वो डन हो गया, क्योंकि जब तक बच्चा सो रहा है तब तक आपका सारा काम हो जाता है। तो ये मैंने किचन की ऑलमोस्ट सारी सफाई कर दी है बस, उसके बाद मेरा एक तो ऑलमोस्ट वॉश मशीन में क्लीन है बस। यहाँ पे मुझे डोर्स जो हैं वो क्लीन करने हैं, नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन दैट ऑल द डोर्स, बिकॉज डेली मुझसे नहीं हो पाता है, अगर वो सोया हुआ हो तो मुझसे कई बार मैं कर लेती हूँ। तो ये सारे जितने भी डोर हैं मैं सारे क्लीन कर रही हूँ, बटन्स हैं वो सारे के सारे क्लीन कर रही हूँ, उन पर भी मिट्टी चढ़ जाती है। तो सफाई रखना अपने हाथ में, मुझे बस हुई कई बार मैं थक जाती हूँ, कई बार जब ये सोया तो मेरा काम जल्दी हो जाता है दैट्स इट। तो जितने भी डोर हैं मैं सारे क्लीन, मेरा टाइम जो है वो ऐसे ही स्पेंड हो जाता है। तो यार घर पे रह के एक लेडी क्या करती है, घर पे रह के एक लेडी पूरे घर को क्लीन करती है, और वो सारा का सारा काम वो डन करती है, तो वो बच्चे को भी संभालती है। तो वो यहाँ पे मैं प्याज जो है वो मैं कट कर रही हूँ, तो प्याज को जो है मुझे तंदूर पे प्रॉपर नहीं आता बनाना, इसलिए मैं ये काट के रखी हूँ ताकि जब मम्मी आएंगी तो उसके बाद जो है वो बना देंगे, क्योंकि साथ में रायता हो जाएगा, और उनकी जो प्याज है वो मैं कट के उनके आने से पहले करके रखूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पानी जो है मुझे प्यास लग गई थी इसमें पानी पी रही हूँ, यार गर्मी है तो आप भी पानी पीजिएगा। और उसके बाद जो है ये जो है मेरे कट हो चुके हैं, अलग मैंने रख दिए हैं, नाउ टाइमिंग इज़ 8:35।
और बस बर्तन मैंने कर दिए अभी रायता थोड़ा सा पानी का हैं, और जो जरूरत रायते वाला काम है वो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल तो मैंने थोड़ा सा एयरपोर्ट पर कर लिया, तो उसके बाद मैंने डीप करके रख दिया उसको। इतना जो है मेरा जीरा जो है मैं रखूँगी, तवा जो है गर्म होने रखूँगा, उसके बाद जब तवा गर्म हो जाएगा तो मैं रखूँगा उसमें डालूँगी जीरा। जीरे को मैं बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करके देन उसको क्रश करके फिर मैं उसको डालूँगी इन द बाउल। तो ये हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मैंने दही ली है और दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि पूरा दही नहीं होगा उसके अंदर लस्सी भी होगी, तो दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये क्रीमी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पतला सा हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्रश कर लिया है जीरे को। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ब्लैक सॉल्ट एंड वाइट सॉल्ट एंड, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लेना है। हरी मिर्च लेनी है, लाल मिर्च लेनी है एंड जीरा लेना है, दैट्स इट। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन।